नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में। दिल से अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ राकेश जुजुनवाला पोर्टफोलियो पेनी स्टॉक। तो ये मात्र छोटा सा स्टॉक था, 17 रुपये के आसपास का डेट टू स्टॉक, जिसमें आज लगा है 20% का अपर सर्किट। और मैंने कुल स्टॉक को 17 रुपये के लेबल्स में बाय किया था और आपके साथ भी शेयर किया था कि ये स्टॉक अच्छा क्यों हमें लगता है। और बहुत क्लियर वर्डों में कहा था, ये स्टॉक आपको यहाँ से 34 रुपये, मतलब आपका पैसा डबल कर सकता है। और इस स्टॉक में राकेश जुजुनवाला जी ने अपनी जो होल्डिंग थी वो डिक्रीज करी थी। और मेरी यही वर्डिंग थी कि देखो राकेश जी, अगर कोई स्टॉक बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा। आपको अपना पैटर्न ढूंढना है। अगर आपके इंडिकेटर्स आपको बोलते हैं कि बाय करो तो देन बाय करो, अगर आपके इंडिकेटर्स आपको कहते हैं कि सेल करो तो सेल करो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट? आप किसी कॉपी मत करो, आप खुद की रिसर्च करो, खुद की एनालिसिस करो। हाँ, उसकी रिसर्च से आप हेल्प ले सकती हो, जैसे मैं भी लेता हूँ बहुत लोगों की। मैं वीडियोस देखता हूँ, राकेश जी को भी फॉलो करता हूँ, विजय केडिया जी को भी फॉलो करता हूँ, तो हम वहां से एक एनालिसिस की कॉपी नहीं करते। मैं सीखने का प्रयास करता हूँ कि उन्होंने ये स्टॉक क्यों सेलेक्ट किया होगा, क्या साइकोलॉजी होगी, क्यों उन्होंने एग्जिट किया। और अगर आप भी ऐसा कुछ करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो डेफिनेटली आपको भी इतना अच्छा रिटर्न मिल सकता है, आप ही खुद के स्टॉक सेलेक्ट कर पाओगे। तो ये मंदाना रिटेल वेंचर लिमिटेड स्टॉक का नाम है। 22 रुपये का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में आज अपर सर्किट लगा है और लास्ट 5 दिनों के अंदर स्टॉक हमें 30% का रिटर्न दे चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया था, अराउंड 17 रुपीज स्टॉक काफी अच्छा लगता था। तो एक वीडियो क्लिप चलेगी, उसको सुनो, वहां पर क्या बताया गया था आपको, आप देखो अब, ठीक है? इससे आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपने स्टॉक को बाय किया है, जैसे मैंने भी किया है, तो लाइक पक्का करना, अपने आप के लिए शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और स्टॉक के जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो अभी आपको मैं अपडेट करवा दूंगा। अब स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है, वी डोंट नो, मैं जानना भी नहीं चाहता। मुझे अपने पैटर्न में भरोसा है, मुझे अपना स्टॉप लॉस पता है और मैं उसके ऊपर काम करता हूँ बस। बाकी मार्केट में जो भी न्यूज चल रही है, हमें नहीं पता कि स्टॉक में फ्यूचर में क्या हो सकता है, राइट? क्योंकि हम इसके अंदर काम नहीं करते हैं, ना हम मैनेजमेंट के बंदे हैं, ना हम इनसाइडर लोग हैं। हम सिंपल चार्ट को फॉलो करते हैं, चार्ट को फॉलो करने के बाद हम स्टॉप लॉस लगाते हैं एंड टारगेट का इंतजार करते हैं बस। और आपको यही रूल फॉलो करना चाहिए। तो ये क्लिप चलने वाली है, पुरानी, मात्र 3 सप्ताह पुरानी क्लिप है, आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट जनवरी 15 के आसपास का ये वीडियो क्लिप है, इसकी अब क्लिप चलाने वाला हूँ। उस समय स्टॉक का प्राइस 17 रुपये 20 पैसे ट्रेड कर रहा था, ठीक है? और अब इसकी क्लिप चलेगी, देखो सुनो इसमें आपको क्या बताया गया था और क्यों बताया गया था, वो भी सुनो। आप देख सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिनको नहीं पता है, जिनको थोड़ी भी समझ नहीं है इसके बारे में, तो मैं आपको दिखला देता हूँ। तो देखो, ये यहाँ से अगर आप टूल लोगे इंडिकेटर, ठीक है, यहाँ फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ लो से हाई को मार्क कर लेना है आपको। एंड दिस इज द फिब रिट्रेसमेंट, पावर ऑफ फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है? आप ये देख सकते हो, स्टॉक ने रजिस्ट्रेशन लिया वहीं से, ठीक है, फिब 38 से, और दोबारा अब ये इसके बीच में घूम रहा है, इसी रेंज में घूम रहा है, 6850 के बीच में। और जब भी ये 6850 के बीच में घूमता है, इसका मतलब स्टॉक में एक्युमुलेशन पॉइंट चल रहा है। और यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले चुका है 38, इसका मतलब ये अब वीक पॉइंट पड़ चुका है 20 रुपये। तो 20 रुपये स्टॉक आराम दोबारा जा सकता है, एंड अगर ये 20 रुपये सस्टेन कर देता है तो आराम से आपको टॉप हाई जो दिख रहा है ये टेस्ट होते हुए नजर आएगा। और जैसे इसके ऊपर ये क्लोज करेगा, स्टॉक में आपको बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। अब आता है कि जब भी आप कोई ट्रेड करते हो, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट ट्रेड नहीं है, ये ट्रेडिंग ट्रेड है, तो आपको स्टॉप लॉस अप्लाई करना पड़ता है। तो स्टॉप लॉस मैं आपको बतला देता हूँ कि मैं स्टॉक को कैसे अपने नजरों में रखने वाला हूँ, कि स्टॉक मेरी नजर में क्यों आया। सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक देखो यहाँ पर, जब भी देखो, एक आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, पता नहीं आप लोग उसको ऑब्जर्व करते नहीं करते हो, पर पर्सनली मैं चार्ट को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, और चार्ट में जो ऑब्जर्वेशन मुझे दिखती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ये स्टॉक यहाँ से पंप होकर ऊपर गया, ठीक है, एक वन मोमेंटम में गया। अब रीजन इसका मुझे पर्सनली नहीं पता कि क्या था, क्योंकि मैं पर्सनली स्टॉक को इतना फॉलो नहीं करता हूँ कि इसमें ये न्यूज आ गई, ऐसा कुछ हो गया ना, तो मैं सिर्फ चार्ट को देख के बोलता हूँ कि चलो ये हो गया, चलो ठीक, अच्छी बात है। तो यहाँ देखो वॉल्यूम भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ था, तो इसकी एक साइन था कि हाँ स्टॉक में कुछ बड़ा हुआ है। अगर वॉल्यूम नहीं होता तो मैं बोलता चलो ऐसी कुछ नहीं, ऐसी ऐसी आ गया बस ये स्टॉक का प्राइस ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेप में हुआ क्या है, ये देखो यहाँ जो वॉल्यूम इतना नैरो हो गया, इतना नैरो वॉल्यूम हो गया, और ये नैरो वॉल्यूम होने के साथ साथ स्टॉक का प्राइस भी नैरो हो गया। अगर प्राइस घटता बढ़ता तो मैं मानता चलो ठीक है, लेकिन वॉल्यूम नैरो हो गया, प्राइस भी नैरो हो गया, इसका मतलब क्या है,
मतलब ये कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एक्युमुलेशन पॉइंट चल रहा है या डिसिप्शन फेज चल रहा है, दोनों से एक काम होने वाला है। तो अब हमें अगर अपने ट्रेड को फेवर में लेके आना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना भैया, ट्रेड करे तो फेवर में आना चाहिए, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, कभी भी स्टॉक को अगर आप एंट्री करते हो, ट्रेडिंग करते हो, अगर आपने अगर करी है, तो सबसे पहले अपने लॉस के बारे में सोचा करो। तो मेरे हिसाब से स्टॉक यहाँ कहीं भी एंट्री की जा सकती है, और यहाँ पर एक हाई रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो का मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक का 2 महीने का ये रेंज है, और ये रेंज पर्सनली मेरा फेवरेट पैटर्न, मैं बोलता हूँ स्टॉक को, मतलब जो भी स्टॉक में पैटर्न बनता है वाला, मुझे तो अच्छा लगता है। यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क आपका 0 रुपए का है, रिस्क मेरा 0 का तो नहीं है, दो दो रुपए 1 रुपए का है, लेकिन जो रिवॉर्ड है वो काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी हाई रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति थोड़ा एक्सपीरियंस होता है उनको पता रहता है कि हाँ यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन भी चल सकता है और यहाँ पर एक एक्युमुलेशन पॉइंट भी चल सकता है। लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से मैं जो देख पा रहा हूँ, ये एक्युमुलेशन पॉइंट है, यहाँ स्टॉक को एक्युमुलेट किया जा रहा है किसी के द्वारा, अब वो कौन है आपको पता है, हिंट देने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने यहाँ स्टॉक को यहाँ पंप किया है, वो स्टॉक को यहाँ पर हल्का हल्का बेचा, फिर दोबारा उसको बाय कर लिया। ठीक है, इसका अगर आप वॉल्यूम देखोगे पूरा का, तो काफी बड़ा वॉल्यूम था, उसके बाद ये वॉल्यूम जो नैरो हुआ, यहाँ पर रिटेल ने स्टॉक को माल बेचा होगा, डेफिनेटली किसी ना किसी ने बेचा है, उसके बाद यहाँ दोबारा से बाय किया गया, उसके बाद दोबारा से स्टॉक में नई रैली स्टार्ट होगी, जो स्टॉक को ऊपर तक लेके जाएगा, ये मेरी गणित कहती है। बाकी देखो, अब स्टॉप लॉस आपको टारगेट बता देता हूँ कि क्या अप्लाई कर सकते। देखो, दिस इज माई स्टॉप लॉस, दिस इज माई स्टॉप लॉस 14 रुपी। मैं स्टॉक का खुद एंट्री करूंगा तो 14 रुपी का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, आई विल यूज 40 रुपी स्टॉप लॉस, ताकि मेरा लॉस इससे ज्यादा ना हो सके। एंड मेरी जो बाइंग रहेगी, देखो बाइंग प्राइस मेरी ये रहेगी 16 रुपए के आसपास, 17 रुपए के आसपास, 17 रुपए इज माई बाइंग प्राइस। ठीक है, बाइंग प्राइस होगी 17 रुपए के आसपास। ठीक है, अब आता है स्टॉप लॉस, ये आ गया स्टॉप लॉस भी आ गया, बाइंग भी आ गई, एंड जो टारगेट रहेंगे वो कम से कम रहेंगे डबल। 3 रुपए का स्टॉप लॉस, 3 रुपए जोड़ दो, इसमें 20 रुपए का फर्स्ट टारगेट रहेगा, जैसे पता हो रेजिस्टेंस था, एंड जो सेकंड टारगेट रहेगा 23, एंड थर्ड टारगेट रहेगा 26 का। अब आती है बात की मेरा फाइनल टारगेट क्या है, तो TMRPL में, मंदाना रिटेल में, मेरा जो फाइनल टारगेट है वो है 35 रुपए का। ठीक है, अब वो 35 रुपए जिस दिन टारगेट आ जाएगा, तो आपको वो पैटर्न ही बताऊंगा कि किस पैटर्न से आया है, लेकिन पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ एक रेंज बन रही है, और ये रेंज पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये रेंज मैं आपको एक दो स्टॉक पर दिखा देता हूँ, ठीक है, जिनको समझ नहीं आता ना कि मैं क्या बात करता हूँ रेंज की। तो देखो, असली जो पैटर्न है वो तो मैं अभी नहीं बता सकता कि क्या पैटर्न है क्या नहीं है, लेकिन मैं आपको रेंज बता देता हूँ। देखो, ये दीपक फर्टिलाइजर है, ये स्टॉक में देखो सिमिलर रेंज बनी थी, सिमिलर रेंज, ठीक है, ये रेंज, इसी रेंज में स्टॉक को एक्युमुलेट करना था। उसके बाद देखो स्टॉक का प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट डबल होने वाला है एक ही महीने के अंदर, 369 से 542 हो चुका है। ठीक है, तो यही पैटर्न उस स्टॉक में बन रहा है, आप स्टॉक को नजर में रखो। तो दोस्तों, आपने सुना हमारे जो टारगेट थे 23 रुपये, 25 रुपये के टारगेट थे, ऑलमोस्ट हमारे फर्स्ट और सेकेंड टारगेट आ चुके हैं। तो अगर आपने स्टॉक को बाय किया है, तो आज स्टॉक को 35 रुपये के टारगेट इंतजार करोगे। और मेरी एक बात को ध्यान रख लेना, मेरा एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक को चेज मत करो, राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करो। एंड दोस्तों, ये होती है राइट अपॉर्चुनिटी, ये होती है राइट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ स्टॉक को बाय नहीं करना है, नहीं करना बाय, ठीक है, यहाँ बाय करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, 80% लोग यहाँ स्टॉक को बाय नहीं करेंगे, लोग यहाँ बाय करेंगे, और यही वो गलती करते हैं, और इसी वजह से उनका पैसा यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, अगर आपको गैम्बल खेलना है, आपको रिस्क लेना है, मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है, तो आप स्टॉक को यहाँ बाय करो, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहता है, मैंने आपको ये बातें बोली थी, तभी तो कहता वीडियोस को पूरा सुन लिया करो, अब आप लोग सुनते हो नहीं, तो मर्जी अब आप लोगों की है ना भाई। तो देखो, अब इस स्टॉक में क्या करना है, जैसे बोला वैसे ही रहेंगे टारगेट, 35 रुपये आ सकता है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो आपका रहेगा 16 रुपये का, बस सिंपल है। अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो स्टॉक को बाय करना चाहिए, डेफिनेटली बाय करना चाहिए ये स्टॉक, अगर आपको दोबारा से, मुझे लगता है पर्सनली आ सकता है, क्योंकि 35 रुपये वन शॉट में नहीं जाने वाला, इतना आप लिख के ले लो। ये स्टॉक अगर आपको दोबारा से 18 रुपये 16 रुपये मिलता है तो बाय करना, 18 रुपये मिलता है तो बाय करना। ठीक है, और ये आ सकता है 18 रुपये, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पैटर्न यही बोल रहा है, अगर ये हाई तोड़ेगा अपना 25 रुपये का, उसके बाद ये 18 रुपये का, फिर ये 20 रुपये आएगा, तो आप 20 रुपये के आसपास आप दोबारा स्टॉक को बाय कर सकते हो, जब तक ये दोबारा हाई नहीं तोड़ता 26 रुपये का। ठीक है, तो अभी तो स्टॉक में अगर आपके पास है तो भाई आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, 34 रुपये आ सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहो तो कर सकती हो, क्योंकि 22 रुपये 25 रुपये के टारगेट थे, ऑलमोस्ट अचीव होने वाले हैं। ठीक है,
तो बाकी इस वीडियो में यही समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।